हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, मोहम्मद रिजवान के साथ झगड़े के बाद पीएसएल 2024 में फाइनल में मोहम्मद रिजवान ने चेक लेकर डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुई और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मोहम्मद रिजवान का बड़ा बयान आया एक दो दिन पहले, आज मोहसिन नकवी का भी बड़ा बयान आ चुका है। मोहम्मद रिजवान के लिए अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ सख्त रवैया मोहम्मद रिजवान के लिए काफी महंगा साबित होगा। मोहम्मद रिजवान, जिनको पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम का कप्तान का फैसला मोहसिन नकवी ने मीटिंग में शादाब खान को बनाने का किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, जराए के मुताबिक शादाब खान को कप्तानी देने का फैसला किया गया है। मोहम्मद रिजवान को अब कप्तान नहीं बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी से सख्त रवैया मोहम्मद रिजवान के लिए अब काफी मुश्किलात होने जा रही हैं। अब मोहम्मद रिजवान को कप्तानी नहीं मिलेगी। इससे पहले पीएसएल 2024 के फाइनल से पहले मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के लिए फाइनल नाम हो चुका था, लेकिन इस रवैये के बाद, सोशल मीडिया पर हलचल के बाद, अब मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने फैसला किया कि कप्तानी मोहम्मद रिजवान को नहीं मिलनी।